गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज शाम से एक मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि जीएसटी के अंदर जो हमारा डेटा है वो जीएसटीएन ने डिलीट कर दिया है। जी हाँ सर, ये देखिए मेरे पास एक यूट्यूब कमेंट आया है। इसमें एक बंदे ने मेरे से ये कहा, जीएसटी अलर्ट, जुलाई 17 डेटा रिमूव फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। इस तरीके के मैसेजेस ट्विटर हैंडल पे और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, क्या होगा इसके बाद, क्या करना है, आइए देखते हैं एक बार क्या लिखी गई है प्रोविजंस। सबसे पहला पॉइंट इस कमेंट में ही आया है मेरे पास, जीएसटी पोर्टल इज नोटिफाइड राइट सेक्शन 146 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 व्हिच फैसिलिटेट्स ऑल द कंप्लायंसेस सपोर्ट अंडर जीएसटी। ये जो कमेंट बॉक्स है ना, ये जो कमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही मैसेज व्हाट्सएप और ट्विटर पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। देखिए सर, सेक्शन 146 क्या कहता है। सेक्शन 146 कहता है, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल नोटिफाई द कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल फॉर फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल एंड फॉर कैरिंग सच अदर फंक्शंस एंड फॉर सच पर्पसेस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सेक्शन 146 कहता है कि जीएसटी का कॉमन पोर्टल जो है इन सारे कामों को करेगा। ऐसा कहीं नहीं यहाँ मेंशन किया गया है कि कुछ सालों के बाद डेटा जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट इसमें लिखा है, नाउ टुडे ऑन 1st अगस्त 2020 रिटर्न डेटा फॉर जुलाई 2017 हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम जीएसटीएन पोर्टल, नॉट अवेलेबल फॉर व्यूइंग। इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको लेकर के चलता हूं जीएसटी पोर्टल पे और यहां पर आप जाएंगे अपने रिटर्न डैशबोर्ड पे तो आप देखेंगे कि जुलाई 2017 का जो आपका रिटर्न डैशबोर्ड है वो अवेलेबल ही नहीं रहेगा। वहां पे अगस्त 2017 ऑनवर्ड्स जो है रिटर्न का डैशबोर्ड आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल ईयर 17-18 सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे जुलाई का ऑप्शन जो है वो डिसेबल्ड है। यहाँ पर आपको अगस्त महीने से ही डेटा जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ है ये जल्द से जल्द जीएसटीएन को और जीएसटी पोर्टल को क्लैरिफाई करना होगा, नहीं तो हैवॉक क्रिएट होने में समय नहीं लगेगा। नोवेयर इन द लॉ इट इज मेंशनड that GSTN would preserve data for 3 years only, but while viewing the electronic liability register, the portal is showing maximum period for viewing ledgers is 3 years. इसका क्या मतलब है? वो भी एक बार हम लोग देखते हैं। Services tab में आप जाएंगे, ledgers के अंदर जाएंगे और electronic liability register आप check करेंगे, तो यहाँ पे दो parts है, part 1 and part 2. यहाँ पर जब आप check करेंगे तो 17-18 का डेटा आपको जुलाई से लेकर के नहीं दिखाया जाएगा। ये बताएगा यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड सिलेक्टेड फॉर विच द लेजर कैन बी व्यूड इज फॉर लास्ट 3 इयर्स। यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स का डेटा जो है वही दिखाया जाएगा, उसके पहले का डेटा नहीं दिखाया जाएगा। जबकि ऐसी कोई कंडीशन या ऐसा कोई प्रोविजन जीएसटी के एक्ट में नहीं मेंशन किया गया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये जल्द से जल्द क्लैरिफाई होना चाहिए, नहीं तो काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो आ सकती है। अगला जो मैसेज आ रहा है, नाउ इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट टेकिंग डेटा बैकअप फॉर अर्लियर पीरियड एज इट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल ड्यूरिंग द असेसमेंट स्टेज। यानी कि जुलाई 17 का डेटा अभी हटा दिया गया, अगस्त 17 का डेटा अगले महीने हो जाएगा हट जाए, हो सकता है हट जाए, तो इसके लिए डेटा बैकअप लेने की बात हो रही है। तो डेटा बैकअप कैसे लेंगे, डेटा बैकअप लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको रिटर्न्स का डेटा चेक करने के लिए फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आप जाएंगे 17-18, पहले आप जाएंगे सर्विसेज टैब, रिटर्न्स टैब, व्यू फाइल्ड रिटर्न्स, इसके बाद रिटर्न फाइलिंग पीरियड आप मंथली कर लेंगे, मंथ डालेंगे आप यहाँ पे जुलाई और रिटर्न टाइप करेंगे GSTR 3B, तो आपका जुलाई 17 का जो GSTR 3B है वो आपको यहां से डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो दे दिया जाएगा। यहां पे डायरेक्टली डाउनलोड भी नहीं होगा, यहां पे कुछ एरर मैसेज शो होगा, लेकिन डाउनलोड फाइल्ड GSTR 3B पे क्लिक करके आप अपनी GSTR 3B जुलाई की
डाउनलोड करके रख सकते हैं। सिमिलरली सारे लेजर, सारे आपके रिटर्न्स जो है वो आप मंथ वाइज मंथ डेटा जो है वो डाउनलोड करके रख लीजिए, आगे चल के इनकी दिक्कतें जो है वो आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत है, अब जुलाई 17 का जो डेटा डाउनलोड हो रहा है, जो एक्चुअल फाइल हुआ है वो डेटा भी डाउनलोड नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा निल रिटर्न जो है वो फाइल दिखा रहा है, जबकि जुलाई महीने में जो डेटा है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ये जीएसटी पोर्टल का क्या हो रहा है, क्या कर रहा है जीएसटी पोर्टल, कुछ नहीं समझ में आ रहा, लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है इस चीज को लेकर के आ रही है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लग सके कि जीएसटी पोर्टल से डेटा जो हट रहा है उसका क्या मतलब है और वो किस तरीके से आप बैकअप जो है उसका ले सकते हैं। और 17-18 का जो हम लोगों का एनुअल रिटर्न फाइल हुआ था उसकी क्या स्थिति है वो भी आप एक बार देख लीजिए, आपको चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने ओपन करा है 17-18 का जीएसटी R9, इसका जो डेटा है वो भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड जीएसटी R3B समरी, जिसके अंदर जुलाई से लेके मार्च तक का डेटा पूरा का पूरा इकट्ठा आपका डाउनलोड हो सकता है। साथ ही साथ यहां से आप जीएसटी R1 की जो समरी है, जीएसटी R1 जुलाई 17 से लेके मार्च 18 तक का जो भी फाइलिंग हुआ है वो पूरा डेटा आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी R9 का डेटा आप यहां से डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने प्रीवियस असेसमेंट और प्रीवियस फाइलिंग के रिलेशन में। तो इन सारी चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा अब जरूरी हो गया है कि डेटा का बैकअप ले लीजिए, क्योंकि अगर पोर्टल डेटा हटा देगा तो आपको डेटा मिलेगा कहां से, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो आज के डेट में खड़ा हो गया है, जब तक इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया जाता पोर्टल की तरफ से। तो लेजर से डेटा गायब है, रिटर्न पोर्टल से डेटा गायब है, कहां गया कुछ नहीं पता। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं करी है तो 3 दिनों का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप उस डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। जल्द से जल्द जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं उस पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ जो कल का हमारा वेबिनार है जीएसटी R4 जीएसटी R3B की एरर रेक्टिफिकेशन के लिए, उसमें भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके लिए भी नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उसमें कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।